हेलो गाइस, वेलकम टू दी जेन्स किचन। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं जीरा राइस। आप सोच रहे होंगे जीरा राइस तो सब लोग बना सकते हैं, बट ये वाला जीरा राइस सिर्फ 5 मिनट में बनेगा। सिर्फ 5 मिनट कुकर में बनाएंगे हम लोग। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ स्टेप्स। तो अभी हम लोगों ने कुकर ले लिया और उसमें हम लोगों ने डाला है 1 टेबल स्पून घी। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। घी अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम हींग डाल देंगे। इसमें हम लोग 2 हरी मिर्च डाल देंगे। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल देना, आपको कम चाहिए तो आप कम डाल देना। अब इसमें 1/2 कप जितना धनिया डाल देना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो। जब तक हमारा ये फ्राई हो रहा है तब तक आप आपके चावल को धो लेना। पहले से धो के मत रखना, ना तो भिगोना। 2 कटोरी चावल में 2.5 कटोरी पानी। ये हम लोगों ने बासमती चावल जो धो दिया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। कोतमड़ी को सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लो आप। अभी इसके अंदर आपके हिसाब से नमक डाल दीजिए। अभी इसमें पानी ऐड कर देना है आप लोगों को और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लो। अभी सब मिक्स करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कुकर को बंद करके 1 सीटी लेना है और फिर आपका जीरा राइस तैयार। अभी हम लोग 4 तरह की दाल ले लेंगे। उड़द की दाल, मोगर की दाल, चने की दाल और तूर की दाल। और सबको 1/4 कप लेना है, छोटा कप का 1/4। और सब चीज़ों को धो देना है। इस स्टेप में हमें पहले दाल को धोना, उसके बाद हम लोग आके दाल फ्राई बनाएंगे। 2 टमाटर की हम लोगों को प्यूरी कर देनी है। हम दाल फ्राई को भी कुकर में ही करने वाले हैं, तो आप लोग छोटा कुकर ले लो या जो भी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद इसके अंदर तो इस घी ले लेना है। इसमें भी 1 टेबल स्पून ही घी लेना है। हमारी सीटी आ गई है तो हम इस कुकर को अब हम लोग बंद कर देंगे। अब इसमें भी हम लोग 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। जीरा आके हम लोगों को 1/2 स्पून डालना है। मैंने गलती से 1/2 टेबल स्पून बोल दिया है। और 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम हींग डाल देना है। और ग्रीन चिली, हमें सिर्फ 1 ग्रीन चिली डालना है। और इन सब चीज़ों को अभी हम लोग टमेटो प्यूरी बनाए जो हम लोगों ने वो इसके अंदर डाल देंगे। अभी पहले कड़ी पत्ता डाल देना है अंदर। अब इसमें 1 टीस्पून हम लोग रेड चिली पाउडर डाल देंगे। इसमें 1/2 टेबल स्पून आके हम लोग हल्दी और धनिया का पाउडर, हमारा पाउडर दोनों साथ में। आप अगर अलग अलग है तो 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर दो आपके स्वाद अनुसार। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे, ड्राई जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास है तो डालना, नहीं तो नो प्रॉब्लम। अब इसके अंदर हम लोग वो जो सारी दाल हम लोगों ने डाली थी, दाल डालने के बाद सब कुछ मिक्स कर दो। 1 कटोरी दाल आपने डाला है तो आके उसका 1 कप का 1.5 पानी आप इसके अंदर डालेंगे। वैसे ही आपके मेजरमेंट्स होंगे। अगर आप 2 कटोरी लोगे तो 4.5 कटोरी पानी इसके अंदर डालना। तो कुकर खोलने के बाद हमारा जीरा राइस रेडी है, रेडी टू सर्व। तो एन्जॉय। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने 3 सीटी लिया है, 3 सीटी लेंगे और उसके बाद कुकर को ठंडा होने देना। उसके बाद ही आप इसको खोलना। खोलने के बाद आप सब कुछ मिक्स करेंगे, उसके बाद धनिया से गार्निश कर देना। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।